गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का इफ्फी 2017 में हार्दिक स्वागत है। क्रिएटिविटी, कल्चरल एक्सचेंज, वाइब्रेंसी, इनोवेशन, ग्लोबल प्रेजेंस, दिस इज इफ्फी 2017। एन अटेम्प्ट टू वीव द ऑडियंस एंड फिल्म मेकर्स थ्रू ए नरेटिव दैट कंबाइंस कल्चर, लैंग्वेज एंड द हेरिटेज ऑफ डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट रीजन्स। टुडे वी हैव विथ अस फोर डायरेक्टर्स इंडियन पैनोरमा। विद्युत कोटोकी डायरेक्टर असमीज फीचर फिल्म होई हो बोते धीमा लेते। मानुज कदम डायरेक्टर मराठी फीचर फिल्म क्षितिज ए होराइजन। मीरा नशा नायक डायरेक्टर कोंकणी फीचर फिल्म जुजे। राजेश मापुसकर डायरेक्टर मराठी फीचर फिल्म वेंटिलेटर। First of all, they will share their views, their experiences. After the press conference, we will invite their crew and cast member who are present there. Please give them a thank you. And kindly keep your mobiles on silent mode. Hoyo Bote Dhima Lete. Producer, India Stories Media and Entertainment Private Limited. Niyor Uski Behen Kovoli. अपने माता पिता के साथ असम के एक सुदूर कस्बे से आती है। उनका भोला जीवन खेल और खोजों में बीत रहा है और उन्हें राज्य में चल रहे सबसे खूनी हिंसक नागरिक विद्रोह के बारे में कोई जानकारी नहीं। नियोर कोवोली को वादा करता है कि वो अपनी दोस्त पुलक के साथ मिलकर उसके लिए एक नाटक प्रस्तुत करेगा, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं कि उसका यह नाटक उन तीनों के भविष्य को बदलने वाला है। विद्युत कोटोकी won the national award for his documentary film Beharai Momon Theater where Othello sells with Titanic. His documentary film Guns and Guitars won more than 12 awards. His first feature film Ekon Nedekha Nodir Sipre traveled to prestigious film festivals and won several awards. Over to विद्युत कोटोकी सर, प्लीज। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सर, इज इट ऑन? जस्ट यू हैव टू पुश दैट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। दिस फिल्म वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक बिकॉज आई दिस सब्जेक्ट स्टेड विद मी फॉर अ व्हाइल। इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म and the birth of my daughter 4 years back kind of propelled me that if I want to look at her eye directly, I need to make this film. Not to say that you make a film and the world will change, but at the same time, if you don't ask question, nothing will change. It was a big struggle to make the film. We are lucky to have cast and crew, people who put their life saving into it, people who work for free, and instead of taking fee, end up putting money to complete the film. We tried crowdfunding, not so successfully, but still we are on it. And here I would like to announce that the film will be released officially across the country, mostly in Assam, and limited release in the rest of the country on 16th of January 2018. Yep, I mean, over to that, and later on we would like to have a discussion if you have any questions. Thank you. Chitiz A Horizon. Director Manoj Kadam. Vachi 12 साल की है और तमाम चुनौतियों के बावजूद पढ़ना चाहती है। गरीबी से दबा उसका परिवार गांव छोड़कर गन्ने के खेतों में मजदूरी करने चला जाता है। उसके साधारण पिता के पास बेटी की उम्मीदों के लिए कम वक्त है और उसका दृढ़ निश्चय उन्हें अखरता है, लेकिन उसका अटल निश्चय समस्याओं को सुलझाने में काम आता है। मनोज कदम इज अ राइटर एंड डायरेक्टर। हिज प्रीवियस क्रेडिट्स इंक्लूड्स टेलीविजन सीरियल राजू राजा राजा साहब, मेरे आंगन में, कभी इधर कभी उधर। उन्होंने प्रसिद्ध मराठी फिल्म जैसे श्वस, स्पंदन, सेकंड इश्निंग और आरंभ में काम किया।
प्रोड्यूसर हैं इनके मीडिया फिल्म क्राफ्ट्स। ओवर टू मनोज कदम साहब। थैंक यू। एक्चुअली इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, राइट? कंफर्टेबल रहूंगा हिंदी में, मातृभाषा में बोलने के लिए। बेसिकली ये फिल्म है बेसिकली एक बच्ची की, शी इज अ प्रोटैगनिस्ट, एंड बच्ची पढ़ना चाहती है जैसे इन्होंने लिखा है सिनॉप्सिस में, लेकिन वो सिर्फ पढ़ना नहीं चाहती, वो बदलाव चाहती है। वो बदलाव के लिए झगड़ रही है, और बदलाव मतलब इंसानों से नहीं लड़ रही है, परिस्थितियों से लड़ रही है। और ये आज की वास्तविकता है। हम कहते हैं कि मतलब सिनेमा जी जो समाज का आईना होता है, तो मैं चाहता था ये आईना में समाज को अपनी नजरिए से दिखाऊं जी, ताकि आज हम कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेसिकली बेटियां बच रही है तो पढ़ नहीं रही, और जो पढ़ना चाहती है वो तो इस दुनिया में आने से रोक दी जाती है। तो ये बदलाव मैं चाहता था फिल्म के माध्यम से, इसलिए एक छोटे सी प्रयास था मेरा ये कि वो बदलाव समाज में आए, यही मकसद था इस फिल्म का। थैंक यू। शुक्रिया। जूजे बोरिमबोल गोवा का प्रवासी आबादी वाला एक गांव है, जहां बदमाश गुंडे जूजे का राज चलता है, जिसे लोग झोंपड़पट्टी का राजा भी कहते हैं। उसका हिंसक व्यवहार प्रवासी कामगार आबादी को दबाए रखता है, तब भी जब वो उनकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है। लेकिन 16 साल का संतोष डरने से इनकार कर देता है। उसका पढ़ने का पक्का इरादा जूजे से मार खाने पर भी दिखता नहीं है। स्थितियां निर्णायक अवस्था में पहुंचती हैं, और संतोष का मौन प्रतिरोध जूजे का सामना करने तक पहुंचता है, और अंततः उसे डर से मुक्ति दिलाता है। मेरा नशा नाइक, ए नेटिव ऑफ गोवा, कंप्लीटेड हिज फिल्म मेकिंग स्टडीज इन विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल मुंबई, स्पेशलाइजिंग इन स्क्रीन राइटिंग। इन 2012 ही बिगेन वर्किंग एज ए राइटर एट गीतांजलि क्रिएशंस, ए मुंबई बेस्ड प्रोडक्शन हाउस, बिफोर मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स अंडर हिज ओन बैनर थिन एयर प्रोडक्शंस। जूजे इज हिज फीचर फिल्म डेब्यू। ओवर टू मेरा नशा नाइक। मेरा नशा बिल्कुल जी। I have both my name as well as the name of the film, you know, very difficult to pronounce. So I forgive everyone. when I said everyone, you know, I meant him. But this is my first press conference. I don't know, you know, what I actually have to say. But you know, from what they have said, you know, I'll just. Gather some thoughts and like say similar things. The film is about a teenager struggle and a tyrant lord, you know, as you heard in this. For me to make this film never was about, you know, making a statement or giving a message, you know, I mean, it's like, which shouldn't be the case for any filmmakers, you know. If it comes out like that and like it if it helps the society or the community, I think it's okay. But filmmaking for me is like just telling a very you know, engaging story, and that's all I tried to do with this film. And I guess I'm in like or I'm hoping that it has come out well. Thank you for coming here. Shukriya Miranshan Naik ji. Ventilator. यह हास्य से भरा ड्रामा बृहत्तर कामेकर खानदान के जीवन के आत्मीय पलों को दिखाता है। ये सारे शहर के एक आलीशान अस्पताल में इकट्ठा हुए हैं अपने परिवार के एक बीमार सदस्य को देखने। इन सब से असली मंसूबे तब सामने आते हैं जब मृत्युशैया पर पड़े कामेकर वेंटिलेटर के सहारे अपने जीवन की डोर खींचते हैं, और उनकी संतान उम्मीद और अपराध बोध के मध्य झूलती है। मौत का यूं टलना उन्हें अपशगुन का खतरा लगने लगता है, क्योंकि
गणेश प्रतिमाओं के आने का समय हो चुका है. राजेश मापुस्कर वॉज द एसोसिएट डायरेक्टर ऑन 3 ऑफ राजकुमार हिरानी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स. राजेश डेब्यूटेड एज डायरेक्टर विथ फरारी की सवारी प्रोड्यूस बाय विनोद चोपड़ा फिल्म्स इन 2012. इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं पर्पल पेबल पिक्चर्स जिसकी संस्थापक निर्माता है प्रियंका चोपड़ा जी. मैं आमंत्रित करता हूं राजेश मापुस्कर जी को कि वे अपनी बात कहें. गुड मॉर्निंग एवरीवन. थैंक गॉड मेरा नंबर लास्ट आ गया था क्योंकि क्या फिर पहले 3 जो बोल जो कभी प्रिपेयर कर सकता हूँ कि बोलना क्या है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट 3 ऑफ यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. सो अबाउट माई फिल्म वेंटिलेटर. Actually, this idea came to me. I was writing, I finished my first film, Farari Ki Sawari. So my natural path was to make another Hindi film, another so-called, word I don't like, Bollywood, but another Hindi industry film. I was writing that and some incident happened in my family and I thought there is a story here. Then I thought there's a screenplay here. Then I thought there's a film here. And I started writing. So finally, the script emerged. And people ask me, is it a biographical? Is it a semi-biographical? But I would say yes, it's semi-biographical, but it's not my biography, but it's biography of each one of you. Because from the time we are born, we are in a relationship. And there are some immediate relationships which we have, is mother, father, sister, brother. So in that, there are complications of relationship. In each relationships have different dynamics. And I don't focus deliberately, but when I write, it naturally comes to the father-son relationship. You know, maybe it's because of my relationship with my father, my wonderful father, who I keep fighting all the time. Yeah. So I thought there is a film here. So finally, when I finished writing the film, and I thought, oh God, after Farari Ki Sawari, even this film is coming out as a father-son film. So the film is about relationship, is about how relationship issues are surfaced at the time when something happens in the family, and how that whole thing can you can look at it and in a different perspective. You can look at it grimly and feel sad about it, or look at it and laugh about it. Okay, so I tried doing both and presented Ventilator. Thank you so much for this opportunity. बहुत बहुत शुक्रिया. और आपके जहन में जो सवाल हैं चाहेंगे कि वो आप इनसे करें और बारी बारी से. यस प्लीज गो देयर. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर करिए प्लीज. मेरा नाम सिराज सैयद है. मैं filmfestivals.com का भारतीय प्रतिनिधि हूँ. आई एम सिराज सैयद, इंडिया का रिस्पॉन्डेंट फॉर filmfestivals.com. स्विचिंग टू इंग्लिश नाउ. The question is addressed to Vidyut. When we read the cast of his last film and the new film, we find there are 3 common names. Nirmal Vaid, Naved Aslam, and Victor Banerjee. Of these, Victor Banerjee once again plays a grandfather. I would like to know what he felt about originally casting Victor in the earlier film and then repeating him as a grandfather, and partly also to extend that to explain to us in this film, Victor Banerjee's character of the grandfather comes across more as a mythical person who might actually not have been there at all. It's somebody who just appears to set things right and then disappears. So maybe you could dwell on these. Thank you. Yes, in the When As the River Flow, Ekhon Nerekha Norir Ki Pare, I was planning at that time, I was absolutely raw, had no idea whom to approach, how to approach, no money. At that time, I was in Goa in 2011 or 12 in IFFI, and I was told that Victor Banerjee is here with a film, and a journalist friend of me told me that I have actually asked him that you say you are so close to Assamese heart and you have never done an Assamese film. He said, because I was never offered one. And he said, and then that friend told him about that a friend of mine is planning a film. He said, please ask him to come and meet me. So I went to meet Victor's sir in Sitade, Goa.
And I told him, and he read the synopsis for one page synopsis almost for 10 minutes. Then he said, I'm doing the film, and what took you so long to come to me? I said, your reputation precedes you. I was told that you are a very difficult person, and you're a very costly actor. Everybody told me you are a wonderful human being, wonderful actor, but you need 5-star, and you need royal treatment. And I have neither. So he again read the synopsis and said, yes, what you heard is true. But it's also true that I have two faces. Okay. And I need 5-star, I need a royal treatment from the people who can afford it. And I judge whom to ask for it. Yes. So I asked him that, sir, what will be your payment? He said, after paying everybody whatever is left, you give it to me. At the first, I did not believe him. After my journey with As the River Flow, and there were unfortunate controversy, and the way he stood up for me, for the film, I realized he's a great actor, but he's a far better human being, far more genuine human being. Okay. And after that, somewhere, Victor Dai is on my psyche. Whenever a script, is somewhere one character say that is Victor Banerjee. He can only play this character. And while writing itself, time and again, it's like that, how he would interpret this character. So same was, 2-3 other films, which hope I will make someday, same thing happen. I just send it in the script, and he comes back with some sarcastic comments on this thing. But with him, you always have to read between the line and that what he means to say. This film also, when I was planning 5-6 years back, I sent him the thing. And when finally we were very close to making it, broke as usual, he was like that, even if I have to pay money, I'm doing this film, I'm in this film. And very honestly, I could not imagine anybody else playing grandfather in this particular film than Victor Banerjee. So just a little elaboration on the mythical character. You know, he's a bhavana actor, appears out of nowhere, disappears, sets things right. It's a combination of the grandfather of all of us. Many my generation have. It's partly my two maternal and paternal grandfathers, part of the characteristics, the good part. And yes, maybe, as you rightly said, it's a bit mythical. Maybe someday I would like to be that grandfather to my grandchild, who actually is a friend, philosopher, and guide without pretending to be one. I don't know how much it came across, but that was the intention of this particular grandfather. He came in the film not more than 20 minutes, but like you, most of the people who have seen the film, they say that he owns the film. And many of the dialogues, actually, I gave him the script and said that, sir, now next draft of your character is going to be by you. So even I was surprised the way he picked up some classical Assamese plays and some dialogues from there. The way he does his homework is amazing. You have to experience it. Thank you. Next question, please. The mic here. Yes, the mic is there. I'm Ravindra Arora. Hello. I'm Ravindra Arora from Mumbai Sandhya, Hindi Marathi, and Brithwit. And I want to ask the question to Rajesh Ji. राजेश जी, आपकी फिल्म मैंने कल ही देखी. अपने आप में बहुत ही संवेदनशील थी. और सबसे बड़ी हाईलाइट जो मुझे लगी वो ये थी कि जब हीरो आपका सो रहा है और एक आदमी आके उसको चाय ऑफर करता है और उसको उठाता है और वो शॉक हो जाता है. उसको समझ में नहीं आता ये आदमी कौन है और क्यों ऑफर कर रहा है. तो जो उसके एक्सप्लेनेशन उसने दिए
कि मैं आपका ये फेवर कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो उससे एक बात बहुत क्लियर है जो इस पहलू को किसी ने आज तक छुआ नहीं है कि लाइफ एंड डेथ के बीच में भी बिजनेस होता है और हॉस्पिटल जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा व्यापार है, जहां संवेदना मर जाती है, किसी के परिवार का आदमी मर रहा है और दूसरे को अपना धंधा सोच रहा है क्योंकि उसका वो बिजनेस है। आपका सवाल, तो ये करेक्टर आपको कहां से मिला? बहुत खूब, बहुत थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि बाकी जिन्होंने वेंटिलेटर नहीं देखी है तो उनको थोड़ा समझ में आ जाए कि ये क्या सीक्वेंस है। वेंटिलेटर फिल्म ऐसी है कि एक बूढ़े बुजुर्ग है जो वेंटिलेटर पे है और सारी फैमिली इकट्ठा हुई है कि डिसीजन क्या है, वेंटिलेटर से निकालना है नहीं निकालना है। ये हर एक के लाइफ में ये डिलेमा होता है, हमारे कोई बुजुर्ग या कोई भी अपना हॉस्पिटल में हो तो ये इस दौर से सारे गुजरते हैं हम लोग। मैंने तो हिंदी भी शुरू कर दिया, आपने हिंदी में, अच्छा ओके कोई बात नहीं भला ये राजेश बाबू सर हिंदी कहाँ से बोल रहे यस मातृभाषा है, थैंक्स यार। सो तो वहाँ पे उनका जो बेटा है, जो बुजुर्ग है उनका बेटा है, उसको डिसीजन लेना है और वो बहुत उसको पोस्टपोन कर रहा है और जब फाइनल डिसीजन लेता है कि कल 12 बजे वेंटिलेटर निकाल के डिस्चार्ज दिया जाए तो उस वक्त दूसरे डायनामिक शुरू हो जाते हैं हॉस्पिटल में कि अच्छा तो सबको पता लगता है हॉस्पिटल में कि अभी इन्होंने डिसीजन ले लिया कि ये वेंटिलेटर निकालेंगे ताकि एक घंटे में इनकी डेथ हो जाएगी। तो बाकी सारे बिजनेस हैं, मतलब हम कहते बिजनेस है बट दीज आर रियलिटीज ऑफ लाइफ कि ऑर्गन डोनेशन होते हैं, आँखें देनी होती है या जो लास्ट रिचुअल वाली जो आजकल नई कंपनीज है वो कंपनीज अभी आके आपको पूछते हैं कि अच्छा आपके लास्ट रिचुअल्स हम करें क्या, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम ले सकते हैं, आपको कहाँ जाना है, आपको केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, हरेश्वर जाना है, कहाँ जाना है, पूरा पैकेज हम दे देंगे। तो ये बिजनेस है, ये कन्वीनियंस है, ये आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है। हम इस डिपेंड हम इसको कैसे देखें, हाफ फुल ग्लास और हाफ एंटी ग्लास, इट डिपेंड्स ऑन अस और कैसे देखें। ये जो सारे कैरेक्टर्स आए, आपके सवाल का जवाब ये है कि ये तो ऑब्जर्वेशन से ही आया है, मतलब जो जो मैंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया है मैं उसको देख के मैं हंस पड़ता हूँ कि अरे यार ये क्या कमाल सर्विस है, यू नो। तो इज ऑल कमिंग फ्रॉम देयर। किसी मेरे फ्रेंड्स की डेथ हुई है तो मैं ऐसे एक वैन में बैठ के, खुद उन्होंने वैन में बैठ के, उस आदमी ने अपना डैशबोर्ड खोला ड्राइवर ने और मुझे और 4 कार्ड दे दिए, बोले अगले सर फ्यूचर में काम में आएगा आप रख लो कार्ड। तो मेरे फ्रेंड की डेड बॉडी उसके एम्बुलेंस में है पीछे और मैं उसके साथ बैठा हूँ दिखाने के लिए उनका घर का, और ये आदमी ड्राइवर जो हर रिक्शा वाले को गाली दे रहा है और 4 कार्ड मुझे भी दे रहा है, उसको कोई पड़ी नहीं। बट दैट्स लाइफ, दैट्स रियलिटी, दैट्स हाउ इट इज, एंड वी कैन लुक एट इट द वे वी वॉन्ट एंड बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, बट इज ऑल कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाय, हाँ जी, वापस लेता है। हाँ जी, तो जब बताया तो उसे याद दिलाते हैं कि जब तुम एमेचर पैदा हुए थे, तो आप सोचो कि आपके फादर ने 1% के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, yeah. तो क्या आप उनके बचने का पॉइंट जो है वो 1% लाइफ में है, तो क्या उसके लिए आप चांस दे? थोड़ा पी आर कर रहा हूँ। 27 तारीख को फिल्म की स्क्रीनिंग है, आप लोग जरूर देखिए जिन्होंने नहीं देखी। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एट देन। हाई, आई एम तनुष्का दिगामा फ्रॉम द नवन टाइम्स, गो इन इंग्लिश डेली। आई लव द फिल्म वेंटिलेटर, आई कम टू मीरांशा, but what really struck me Rajesh is that whenever a person dies we stop referring to the person by name and we say body, dead, yeah, body, and I would like you to just throw light on why was it a very conscious decision or was it because, yeah, it happened to your friend or whatever and how you went about it. Yeah, it's very conscious decision because
because very consciously I kept that character being addressed by his family member as Gaju Kaka, Gaju Kaka, Gaju Kaka, Gaju Kaka, Gaju Kaka. The moment the decision happens that the ventilator is going to be off and he's going to get discharged, he becomes body. And not only him, but even his relatives start addressing to body kuthe anna, body kaha layenge, body udhar jayenge, body udhar. It's so normal. Or if you hear it, I mean, I think that's my favorite pastime, to observe and hear people and just keep recording everything into my head. And when I write, I think somewhere everything just comes back as a cosmic energy and everything comes on the paper. So it's all after observation. But it was, yes, definitely a conscious decision to call that Gaju Kaka a body. Yes. Miransha, I think every Goan who's watched the movie yesterday is extremely proud of what you've done. But I would just like you to throw light on, you were upset about the way you were treated at the film festival. Did things change yesterday before the screening or after the screening? Because I think yesterday after the screening, people realized that you are one emerging Goan star director. Okay, I think, you know, I mean, it's like I've already said, you know, when you interviewed me last time about IFFI. Has anything changed from yesterday? Yes, I was, you know, the smile and like everything is there, because, you know, it's like I was extremely happy with IFFI, because of the projection, you know, which doesn't happen with every film festival, you know, it's like even with some of the big film festivals, and I was like so happy with the projection, you know, I was like, I think I forgot everything else. The second thing which is happening is, you know, I mean, it's like I've been invited for this press conference, you know, I mean, it's like that's the only thing, you know, after that. It's great, memorable. So yes, I hope, you know, after the screening, you know, it's like some more things change. So. Yes, yes. Is there going to be a repeat screening? I don't know yet, so. I hope. And please, next question. मेरा ये सवाल विद्युत, मनोज, मिरांशा और राजेश सबके लिए है. व्यूअर्स कनेक्ट करने के लिए आप क्या सबसे चीज जरूरी मानते हैं कि फिल्म में होना चाहिए, कोई एक चीज कि जो आपको तुरंत व्यूअर्स से कनेक्ट कर दे, सबसे मेरा ये सवाल है. फॉर मी, मुझे लगता है कि आई ऑनेस्टली बिलीव आई डोंट सिलेक्ट अ फिल्म, ए फिल्म सिलेक्ट मी. ओके. Until and unless एक स्टोरी ऐसा ना हो कि that disturb me, that trouble me, that I'm convinced about the story, I don't try to make a film. Because if myself I'm not convinced about something, then I don't think that I can convince the person in front of me that I'm telling an honest story, I'm making an honest film. So yes, for me the most important thing is that I have to be moved by the story. I have to be disturbed by the story. Disturbed, not only in, I mean, negative yes, sense. Yes, I mean, yes, yes. Even sometimes a very nice moment can give you sleepless nights. Yes, yes. Until unless that happens, I don't try to make a film. It's great. So, I think that is, I'm not a trained filmmaker, so I cannot approach a film like a trained filmmaker, maybe. I don't know the way. For me, I try to think from my heart, great. And if my heart says that this is a story need to be told, yeah, then I take it up. And I great. Hope that I'll get some like-minded people who will connect with it. Okay, okay. Manoj. सबसे बड़ी बात फिल्म की होती है, फिल्म इंसानों के लिए होती है, और इंसानों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो सब एग्री करेंगे कि इमोशंस. जी, इमोशंस कहेंगे, सेंटिमेंट्स कहेंगे, मतलब ऑडियंस जो कनेक्ट होता है वो आपकी इमोशन से ही होता है. जी, इफ यू डोंट हैव दैट, मतलब चाहे वो एक्शन फिल्म हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे फिक्शन हो, चाहे लव स्टोरी हो, सब में इमोशंस जरूरी होते हैं. अगर इमोशंस ही आपको प्रैक्टिकली कनेक्ट हो जाते हैं, देन योर फिल्म इज अ गुड फिल्म. शुक्रिया. मिरांशा, मेरे हिसाब से आपका गलती, ये सवाल ही इतना मेरे को गलत लगा कि आपने बोला कि एक चीज फिल्म के बारे में बता दो. हाँ, तय बातें फिल्म में बहुत होती हैं. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका अपना व्यू है. हाँ,
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अगर यू नो कि एक चीज ही होती है फिल्म में तो मतलब उसके लिए 500,000 लोग इन्वॉल्व नहीं होते एक जी, 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 तो जी. एवरी एलिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. बट जैसे मतलब इन्होंने भी कहा कि मतलब इफ यू डोंट हैव द स्टोरी यू नो मींस लाइक यस यस देयर इज नथिंग एल्स सो आपके लिए स्टोरी सबसे इम्पोर्टेंट है. डेफिनेटली स्टोरी नहीं है तो मतलब बिल्कुल वहीं से सब सब कुछ चालू होता है. जी 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 हर चीज आपने स्टोरी लिखी एडिट टेबल पे जाके स्टोरी रीराइट की जाती है और सिनेमेटोग्राफी नहीं तो डायरेक्शन नहीं तो एक्टिंग तो मतलब लाइफ तो मतलब एक्टर्स डालते हैं तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है. इट ऑल स्टार्ट्स विद स्टोरी. ओके राजेश जी आपने जब सवाल पूछा तो मैं वो एक चीज लेके मैं वेट कर रहा था कि मेरा नंबर कब आए पर मीरान शाह ने कहा एक चीज नहीं होती. मैं अभी कंफ्यूज हो गया यार अब क्या बोलूं. अब मैं बोलूंगा ये बोलेगा यार कैसा डायरेक्टर है एक चीज पकड़ के फिल्म बनाता है. बट नहीं मेरे लिए इम्पोर्टेंट ह्यूमर है. रियली इम्पोर्टेंट दैट पीपल लाफ क्राई ऑफ कोर्स इज अनदर इमोशन लाइक दे कवर्ड एवरीथिंग. आई एम जस्ट putting it into small words. So emotions is important, but for me very important is humor. You know, otherwise I don't think I would be able to write or make a film without humor. शब्दों के दायरे में लाना बहुत मुश्किल होता है आपके उसको. लेकिन सवाल इसीलिए था कि हर एक का हम एक उनका सोच जान पाए और क्या चीज है. और कोई सवाल आप करना चाहें. हाँ यस प्लीज आप अपने आप को इंट्रोडक्शन देके प्लीज सवाल करेंगे तो अच्छा लगेगा. हाय माय नेम इज मयूर आई एम फ्रॉम sinistan.com. My question is from Mr. Manoj. Like I'm someone who has been brought up on a heavy diet of Hindi films, जिसे हम popularly Bollywood कहते हैं. So obviously Bollywood, I think एक उसकी एक अपना stand, एक place है society में. I think it is more a commercial mainstream entertainer. और when it comes to social issues, तो जो अक्सर हमने देखा है कि जब Bollywood ऐसी फिल्में बनाते हैं, तो वो I think उनका idea ये रहता है कि humor के द्वारा हम सोशल मैसेज को पास ऑन करते हैं. आई सॉ योर फिल्म यस्टरडे सितेज आईना. आई मस्ट से इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म. आई वाज रियली मूव्ड बाय इट. यू नो यू टच्ड अपॉन यू नो द इशू ऑफ फार्मर सुसाइड एंड राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल यू नो नो जेंडर बायसेस. सो वेल व्हेन यू कंसीव दिस फिल्म सो लाइक वाज देयर अ टेम्पटेशन ऑन योर पार्ट लाइक यू नो अगर मुझे ये दिखाना है फार्मर सुसाइड तो इसे वेरी सटली दिखाऊं या तो उस पे जरा आपका जो प्रोसेस था आपकी जो सोच थी उस पे कुछ कहना चाहेंगे प्लीज. जी बिल्कुल थैंक यू. मैं कल से इसी सवाल के लिए तैयारी कर रहा था. मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा सा इमोशनल और सेंटिमेंटल इंसान हूं जी. और कल भी मैं काफी इमोशनल ही था क्योंकि 8 साल लगे मुझे फिल्म बनाने के लिए. एंड 8 साल में काफी कुछ बदलाव आ रहे थे. जैसे आपने कहा कि मतलब फार्मर्स सुसाइड, मुझे फार्मर्स सुसाइड को हाईलाइट नहीं करना था. मुझे फार्मर्स उससे किस तरह से बाहर आए ये मुझे हाईलाइट करना था. मैंने कहीं पे भी वहां पर मेंशन नहीं किया या फिर मैंने हाईलाइट नहीं किया कि किसी ने आत्महत्या कर दी है और ये बहुत कुछ हंगामा हो रहा है यहां पर प्रेस आ रही है ये आ रही है. नथिंग नथिंग नथिंग. इट्स वॉज वेरी सटल एंड सार्केस्टिक जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि बेसिकली इट वॉज अ रियलिटी. 8 साल के बदलाव में मुझे 16 स्क्रीन प्ले के ड्राफ्ट बनाने पड़े. देन लेकिन इट वॉज अ कॉन्टेम्पररी. जैसे सोशल इश्यूज आते हैं तो सोशल इश्यूज पे बवाल भी बहुत होते हैं तो मुझे उससे बचना था. आई डोंट वॉन्टेड टू क्रिएट एन कॉन्ट्रावर्सी रिगार्डिंग दोज थिंग्स. ना ही मुझे पॉलिटिकल जी किसी को अट्रैक्ट करना था वहां पर बिकॉज आई बिलीव माई कंटेंट इज अ हीरो. एंड कल मुझे उसका फीडबैक मिला कि बेसिकली फिल्म देखने के बाद ऑडिटोरियम में एक सन्नाटा था. 6 मिनट तक कोई बाहर नहीं जा रहा था एंड ऑडिटोरियम में अनाउंस करना पड़ा कि आप प्लीज ऑडी वैकेट कर दीजिए द नेक्स्ट शो इज बीइंग गेटिंग लेट. एंड इट वाज अ स्टैंडिंग ओवेशन जो कि हाउसफुल शो था और स्टैंडिंग ओवेशन था तो
जो मुझे कहना था वो शायद लोगों तक पहुंच गया है जी. जैसे मैंने कहा कि इमोशंस जो थे, आपने पूछा था सवाल कि ऑडियंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है, और वो इमोशंस थे जी, जो लोगों को रुला रहे थे. जैसे राजेश जी ने कहा कि लोगों को हंसाना भी चाहिए, तो मैंने हंसते हंसते थोड़ा सा रुला भी दिया जी 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 जी, बहुत खूब. लेकिन उसका इम्पैक्ट जो था, जो मुझे चाहिए था फिल्म के लिए, इट्स अ सिंपल स्टोरी, मतलब कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, सबकी लाइफ में दिखने वाली वो स्टोरी है. मतलब हम आजू बाजू में यही देख रहे हैं जी, लेकिन हम देख के नज़रअंदाज करते हैं. तो मुझे वो नज़रअंदाजी दूर करनी थी, मुझे वो दिखाना था कि ये देखिए, ये हमारे आसपास में हो रहा है, तो देखिए इसे कि इस तरह से हो रहा है और क्यों हो रहा है. और ये क्यों का जवाब वो ऑडियंस खुद ही देगी, मैं नहीं दूंगा. बहुत जी. अगला सवाल. सर मेरा नाम ब्रजभूषण चतुर्वेदी, बीबीसी में इंदौर से हूँ, और सीनियर जर्नलिस्ट अपने आप को मानता भी हूँ, लिखता भी, 67 साल सिनेमा लिख रहा हूँ मैं. लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि आजकल रीजनल सिनेमा इतना पावरफुल हो रहा है कि बॉलीवुड का सिनेमा उसके पीछे बहुत पीका हो रहा है. जितनी रीजनल सिनेमा फिल्में बन रही है, मराठी, बंगाली, उड़िया, कर्नाटकी, जो जो भारतीय फिल्म बन रही है वो अच्छी बन रही है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में रीजनल सिनेमा इससे भी रीच होगा, और बॉलीवुड का सिनेमा जिसमें आजकल सिर्फ नंगाई दिख रही है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसा ही चलेगा, तो कैसे आप इसको तुलना कर दें कि रीजनल सिनेमा कितना रीच भविष्य दिखाई देगा? ये सवाल आपका सबसे है, सबसे है जी जी. मैं अभी मतलब राजेश जी के पास ही पॉइंट आउट कर रहा था, बिकॉज ही रिप्रेजेंट बॉलीवुड बेसिकली एज वेल एज अ रीजनल सिनेमा. तो पहले वही शुरुआत करें तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो वो सब चीज का कंक्लूजन निकाल देते हैं तीनों के होने के बाद में. प्लीज राजेश जी. दैट्स गोना बी टफर. ओके, आपने सर नंगा कर दिया सर हमको. आपका सवाल सही है कि रीजनल सिनेमा में अच्छी कहानियाँ होती है, बॉलीवुड में आई डोंट लाइक दैट वर्ड, हिंदी सिनेमा में अच्छी कहानियाँ नहीं होती है. अभी ये है, अभी ये दौर है, क्योंकि इकोनॉमिक्स अलग है दो इंडस्ट्री के. बॉलीवुड के इकोनॉमिक्स अलग है, रीजनल सिनेमा के इकोनॉमिक्स अलग है. बॉलीवुड में रिस्क लेवल हाई है, रीजनल सिनेमा में उतना रिस्क लेवल अभी नहीं है, क्योंकि वो बजट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. ताकि हम जब एक फिल्म बनाते हैं, मराठी फिल्म बनाते हैं फॉर एग्जांपल, 1-2 करोड़ में फिल्म बना ली, उसका PNA 50 लाख या 1 करोड़ तक होता है, तो 3 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है. ओके, फिर उसकी रिकवरी, अगर हमने 6 करोड़ का बिजनेस किया तो रिकवरी हो जाती है. तो ये स्मॉल कैलकुलेशन है कंपैरेटिवली. ओके, मैं मानता हूँ टिकट रेट्स कम है मराठी सिनेमा के लिए, पर ये स्मॉल रिस्क है. बॉलीवुड का सिनेमा, जब आप 10-12 करोड़ की भी फिल्म बनाते हो तो आपको 10 करोड़ का PNA लगाना पड़ता है, तो फिल्म 22 करोड़ तक जाती है, और 22 करोड़ रिकवर करने के लिए आपको फिल्म को 3 times बिजनेस करना पड़ता है, विच इज 66 करोड़, विच इज क्रॉसिंग 50 करोड़. तो इतने हाई है वो इकोनॉमिक्स, और उसमें अभी भी, मतलब अभी थोड़ा इज गेटिंग बेटर कि स्टार सिस्टम से थोड़ा हटकर बॉलीवुड सिनेमा आ रहा है. आप देखिए, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में, सॉरी आई कीप सेइंग बॉलीवुड, ओके, हिंदी इंडस्ट्री में अच्छी फिल्म नहीं आती. आप देखिए न्यूटन, देखिए बरेली की बर्फी, देखिए ये जो कड़वी हवा, ये फिल्म देखिए, कितनी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है. तो ऐसा नहीं है. तो यस, उसमें टाइप्स है, जो हर इंडस्ट्री में एक टाइप्स होता है, कि एक कमर्शियल सिनेमा होता है जिसमें, और लोगों को देखने में मजा आता है, कि आप देखिए, आप दिवाली में अगर आप एक फिल्म रिलीज करते हो तो आपकी फैमिली कौन सा फिल्म देखना चाहेंगे? फिल्म बुरी या अच्छी नहीं होती, उनको हंसना है, वो चाहे स्टुपिडिटी हो, वो चाहे कुछ भी अनरियल हो, उनको देखना है, मजे करने हैं, हंसना है. तो ये एंटरटेनमेंट है, उसको आप लेवल नहीं कर सकते अच्छा या बुरा. ओके, तो ऐसा नहीं होता है कि बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में नहीं बनती है, पर एक टाइप की बनती है, उसकी एक अपनी रिस्क लेवल है, उसकी एक अपनी कैलकुलेशन है, तो उस हिसाब से फिल्में वहाँ बनती है. मराठी सिनेमा, मलयालम सिनेमा, रीजनल सिनेमा, वहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क होती है, रिस्क कम होती है, तो वहाँ एक दिल की कहानी बनाने का मौका मिलता है. इसके लिए वेंटिलेटर, मुझे कहा गया कि हिंदी में बनाओ, हिंदी में बनाओ, मैंने नहीं बनाए. उसके दो रीज़न थे. रीज़न वन ये था कि इसकी जो भाषा है, इसका जो सोल है, वो मराठी है, तो इसको मराठी में बनाना चाहिए. कि अभी मराठी में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं
कि कोई मर गया तो हम यूज करते कि गचक ले, गजा बहु गचक ले। अब इसको हिंदी में मैं कैसे बोलूं? यू नो उसका मजा नहीं है, उसका जो एक गचक ले उसमें जो एक गजब है ना वो हिंदी में कहा है वो मुझे नहीं वर्ड पता। मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी फिल्म बना रहा हूँ, मराठी फैमिली की फिल्म बना रहा हूँ। अगर मैं हिंदी में बनाता तो शायद वो कल्चर नहीं आता। दूसरी बात उसके बजट्स के फिर कंस्टेंट शुरू हो जाते हैं, फिर उसका सेलिंग, फिर वो फिल्म बनती नहीं शायद हिंदी में। अब वो वेंटिलेटर सक्सेसफुल हो गई है, अब मैं बना सकता हूँ क्योंकि अभी उसमें जो इंग्रेडिएंट जरूरी है जिस टाइप के आर्टिस्ट जरूरी वो आ सकते हैं, लोगों को पता है, अवेयरनेस है, तो अब लोग फिल्म आके देखेंगे। तो रीजनल फिल्म, यू नो अब हम सारे बैठे यहाँ पे, रीजनल फिल्म आपको आपके दिल की बात बताने का मौका देती है, बस यही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन एक और एक बात है कि अगर मतलब रीजनल सिनेमा को मिला ऑडियंस अगर मिल जाए तो मतलब ये और भी बढ़ सकता है। जो ट्रेंड अभी तक अभी धीरे धीरे चालू हो रहा है, अगर वो बढ़ता है तो मतलब और क्योंकि ये तो यूरोप में चलता है। मेरी फिल्म तो मतलब एक ही जगह पे रिलीज हो रही है और वो फ्रांस जी, जी, जी। जो मतलब इंडिया से इतनी दूर है, और अगर यही बात इंडिया में होती कि हाँ एक इंडियन फिल्म है और सबटाइटल्स के साथ अगर बाकी इंडियंस देखते हैं तो मतलब बहुत अच्छी हो जाती है। अगर तो ऑडियंस बढ़ जाएगी तो मतलब और भी हम लोग को थोड़ा रीजनल फिल्म को और भी थोड़ा पुश मिलेगा। मनोज प्लीज़। बॉलीवुड के बारे में राजेश जी ने तो सब कुछ बता ही दिया है तो और मैं कुछ नहीं कहूँगा उसके ऊपर, लेकिन हाँ रीजनल सिनेमा के बारे में तो जरूर कहूँगा। ये मिट्टी का सिनेमा है, ये हमारा कल्चर दर्शाता है बेसिकली। और मतलब जैसे मैंने कहा कि रीजनल सिनेमा आर कंटेंट बेस्ड सिनेमास, दे डोंट गोज ऑन फेसेस। मैं राइट राजेश जी और बाकी दोनों को भी पूछना चाहूँगा कि ये कंटेंट बेस्ड होता है, इनको कोई चेहरे की जरूरत नहीं होती, इनको फेस वैल्यू की जरूरत नहीं होती। तो इट्स वेरी ट्रू बेसिकली। एंड मतलब आप जैसे कि मैं कमर्शियली तो नहीं कहूँगा कि कमर्शियली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी फिल्म हिट होगी, ये तो कोई नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं मराठी में सैराट को तो बातें कुछ रीजनल और तो ऐसे है ही नहीं कि मतलब सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में 100 करोड़ करेंगी। अभी तो एक ट्रेंड्स मार्क सेट हो गया है कि रीजनल सिनेमा भी 100 करोड़ का बिजनेस कर सकती जी, है जी, जी। बेसिकली तो यही है कि सिनेमा होता है उसको हम ये कंपेयर ना करें तो बेटर है। ये हिंदी सिनेमा है, ये मराठी सिनेमा है, ये बंगाली सिनेमा है, ये मलयालम सिनेमा जी, है जी, जी। सिनेमा की भाषा होती है, चित्र भाषा होती है, तो भाषा तो किसी को भी समझ में आ जाती है वो कि हम आंखों से क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। विद्युत जी प्लीज। I come from a slightly different industry as compared to Marathi industry. Just to give you an example, Assam mein towards the end of 1980s, wahan kareeb 90 cinema halls tha. Yeah, yeah. And there was a threat from underground Ulfa that Hindi film ko band karna hai wahan. And ek ke baad ek cinema hall godam bante chale gaye because only on regional cinema wo survive karna mumkin nahi tha. Now only around 50 odd screens are remaining. Okay. So economically, it's a no-brainer. आप एक फिल्म रिलीज करोगे, even if it's a 50 lakh, 70 lakh screen, एक असमिस फिल्म असम में जाके रिकवरी नहीं कर पाएंगे. So it is very clear to us when we started, this film is not going to recover money from Assam. So obviously, the next question is why you make this film in Assamese? Because I am a suicidal idiot and I got a bunch of suicidal idiots with me who believed that this film can only be made in Assamese. Every film has a language which... My last film was a bilingual. I thought that story can be told both in Assamese and Hindi.
But this one, I knew that I need to make it only in Assamese. Mm-hmm. So I had to let go of few probable investor in the beginning who said that I'm not going to jump with you knowing that I'm going to jump. My gut feeling was that, as he said, that emotion, language of emotion across the world is same. Mm. My film deals with children growing up in violence and how it affects them. Mm. I choose to tell the story from Assam because that is the land I know the base. But I strongly feel this language will be understood by Syria, by Iraq, okay. Any place where there is violence and children. Mm. There's one line I read somewhere long back that don't worry, your children is not listening to you. Be worried, they're observing you. Mm-hmm. I realized the gravity of the line once yes. My daughter is growing up. Sila Rao, she's not even bothered with her dekhe, and after 3 days suddenly she will tell me that this is what you have said. And that time it hit me that I started retrospecting that if we say we borrow this world from our children, we don't own this world, then what kind of world we are leaving behind for them? It's not the world only for Assam, it's not the world for only India, it's overall. So I decided very knowingly to tell a story with a universal appeal in Assamese language because I thought from my experience I could tell this story only in that particular language. I'm telling my story. And I hope at this moment it is a absolutely high risk game that we know we are leaving the plane, we are not going to recover the entire money from Assam. Where next? As he rightly said that unfortunately regional films, we are not yet tuned to watch a regional film in subtitle. We might watch an Iranian film in subtitle in cinema hall, buy the ticket. Mm-hmm. But the ticket price for a Shah Rukh Khan starter, with all due respect, and my film in a multiplex will be same. So although I'm a suicidal idiot, I have that much of brain to know that if you go for a Diwali weekend, which film you are going to go for. But I believed in my film, I believed in the story, and I believe that I will get enough like-minded people in different part of the world where it will recover the money. Shukri. Hi, please introduce yourself. Yeah, I'm Suresh Kumar from Online Media. Yeah. And my question is to Mr. Rajesh, sir. Congratulations to you and team for having made a very entertaining movie. I saw the movie yesterday and the audience thank you. Also very much happy with the movie and the thrills could be seen. My question to you is, I was doing a survey last 3 years on each of the states and most of the regional heads, and I used to ask them which state gives the most support for the language movies. And I, out of 10, at least 7 to 8 of them used to say it's Maharashtra. So my question to you is, as already might be the Maharashtrian movies are getting popular, what more changes do you feel is required to make the movie more popular and to reach more audience? In anything else from the government, they should give a support to you, sir. I think what is required, I mean, it's just a very simple answer. It's a distribution system in place. That's it. Otherwise, I think there are enough makers, there are enough stories, there are enough funding which is coming in. What we need is just people who will own the film and distribute and give it its deserved place. I think that's what is required. And I think that will fall in place slowly, slowly, the way Marathi cinema is evolving now. So I think we are heading towards that. Thank you. Any other question, please? Yes. cinema. Obviously, I also don't like to compare, you know, any cinema, especially with Hindi films, because I think Hindi film has kind of sorted itself out, you know, while most of the Hindi films also still fail. But the core films, you know, they kind of appeal to their audience, they know their audience well. But in the case of regional cinema, you know, like we have success stories, you know, like Ventilator and Shitesh and all. But I think still the number, there are very few films that succeed, if I'm correct. So perhaps, you know, there's a need, you know, for regional cinema to introspect into its content and the way of its storytelling. Yeah. See, what happens, no? Mujhe yaad hai,
मेरे गांव में, मैं आई ग्रोन अप इन अ कोस्टल विलेज कॉल श्रीवर्धन, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ क्या होता था, बहुत ही क्वेंट सा फिशिंग विलेज है। तो मुझे बचपन में याद है वहाँ पे बहुत स्मगलिंग चलती थी जी। ओके और उस स्मगलिंग में कभी कभी स्मगलिंग का एक एक या दो ट्रक पकड़े जाते थे, और वो जो ट्रक्स होते थे ना, कोई एक ट्रक पूरा वॉचेस से, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस से भरा हुआ ओके और कोई ट्रक है जो बोस्की, तभी एक बोस्की कपड़ा आता था, वो इंडिया में नहीं मिलता था, वो बोस्की कपड़े से भरा हुआ है। तो उसमें क्या होता था, जब वो ट्रक पकड़े जाते थे और वो लोग भागते थे, तभी सारे गांव वाले जाके वो ट्रक को लूट लेते थे ओके फिर पूरे गांव में सब लोग ने इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस पहनी हुई। जी जी, भाऊ बीज में इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट ओके दिवाली में इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट, बंबई कोई जा रहा है तो चार इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लेके जाके अपने बंबई सारे रिलेटिव को दे देगा। बहुत सब लोग अपना बॉस की कपड़ा पहने हुए, अभी मराठी इंडस्ट्री का वो हाल है सब लोग वही बॉस्की का शर्ट पहन के, क्योंकि क्या है कि अभी लग रहा है कि मराठी इंडस्ट्री सक्सेसफुल है, तो अभी घुस जाओ, 2 करोड़ डालो, 4 करोड़ कमाओ, सहराट 4 करोड़ में बनी 100 करोड़ का बिजनेस, घुस जाओ 5 करोड़ डालो, 6 करोड़ डालो, उसमें क्या है, ये बहुत ही हड़बड़ी हो रही है, सब घाई गर्दी हो रही है। और मे बी प्रॉब्ली पीपल हु आर नॉट सो कॉन्टेंट कॉन्शियस कमिंग इन टू द फील्ड बिकॉज दे थिंक देर इज अ ईजी मनी देयर, यू नो, सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सो यू आर राइट, यस, बिकॉज देर इज वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन व्हाट इज द कॉन्टेंट विच इज कमिंग। और उसमें क्या होता है, जो कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म है, जो एक्चुअली फिल्म है, उनको फिर नजरअंदाज होती है, यू नो, उनको वो साइड ट्रैक होती है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कितने, 1 या 2 है, कितनी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितनी फिल्म वो लोग ओन करेंगे, कोई तो और लोग आने चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और जो गलत तरह से जो इसका इस दौर का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यू नो, हर उसने एक इलेक्ट्रॉनिक या बोस की कप का शर्ट नहीं पहनना चाहिए, यही अगर ये अगर होगा तो सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अजय जी, आपके वेंटिलेटर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर था जो इतने हैवी एटमॉस्फेयर में लाइट मोमेंट उसने क्रिएट किया, वो था कि एक मिडिल एजेड बच्चा कह सकते हैं उसको, जिसने इसको पेस्ट्री खानी थी, और पेस्ट्री खाते खाते वो छोटे बच्चे को टीज करने के लिए उससे हंसी खेल करना शुरू करता है, और 1 रुपए का सिक्का उसके मुंह में फंस जाता है। करेक्ट। और वो मोमेंट अपने आप में बहुत जबरदस्त था। लेकिन वो बच्चा आपको कहाँ से मिला, क्योंकि वो टिपिकल कभी किसी फिल्म में देखा नहीं। करेक्ट। नहीं, वो लड़का जो है, जो बड़ा लड़का है ना, वो बहुत कमाल लड़का है। उसकी फिल्म कच्चा लिंबू अभी स्क्रीन होने वाली है, आप जरूर देखिए, बहुत ही बढ़िया मराठी फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किए फिल्म को, आप जरूर देखना, बहुत अच्छी है। दैट बॉय वॉज मेरी इन माई फिल्म फरारी की सवारी में, वो छोटा लड़का था तभी, और बहुत ही कमाल का लड़का था। तो कुछ आर्टिस्ट होते हैं ना कि हमको, जैसे विक्टर जी की लगता है कि इनके साथ जब भी फिल्म बनाओगे ये लोग तो होंगे ही होंगे, जैसे बमन ईरानी मेरे हर फिल्म में होता है, यू नो, तो बमन फ्रेंड है, तो विक्टर जी जैसे इनके फिल्म में आ गए, तो उस तरह से वो लड़का कमाल का लड़का था। और जब मैं ये कैरेक्टर लिख रहा था तो कास्टिंग के टाइम पे वही ध्यान में था, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं था, इसी को इस्तेमाल करना था। और तब तक, और वो मैंने लिखते वक्त मैंने छोटा बच्चा लिखा था, पर तब तक ये तो बड़ा हो चुका था 5 साल के बाद। मैंने बोला चलो बड़ा तो बड़ा से ही, उसको ऐसे ही यूज करना है जिस तरह से वो अभी हुआ है उस तरह से। सो दैट वॉज He's that boy, so he's a very good actor. Thank you so much. Their cast and crew members are also there. Please introduce them, yeah. Invite them on the stage. Then we have a photo opportunity. Please, one by one. Nitesh Batra, co-producer. Then Harish Kayal, my producer. Please come. Nakul Bhatt, protagonist, one of the co-producer. Dipandita Sharma, please come. I use her totally unlike her image. Everybody said this is a supermodel. And I said, no, in my film, I see a girl without makeup, and which I think is she really is. Yep. फोटो के लिए नीचे आएंगे, पहले इंट्रोड्यूस करने दीजिए प्लीज, मैं फोटो के लिए नीचे सबको नीचे लाएंगे और अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ। हाँ हाँ प्लीज।
You can sit here. Please introduce. आपके कोई कास्ट में? जी जी. हाँ, please introduce. वैष्णवी तांगड़े. She is doing my lead role. मेरे ख्याल से बिटिया के लिए तालियां दोनों बजनी चाहिए. पहले सबको इंट्रोड्यूस कर लीजिए, फिर फिल्म जी जी. फोटो के लिए आपको देंगे. जी. सेपरेट डायरेक्टर. संभाजी तांगड़े. कम कम. प्लीज प्लीज कम. या मंजरी पेंडारकर मेरी फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर है. मोस्ट वेलकम. प्लीज. ओके. कम इन कम इन. या दो ही योर सब ओके. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज फोटो के लिए आप सब आगे आ जाएं. आई थिंक अपनी फिल्म और अपने कास्ट क्रू के साथ. खड़े रहना, बैठना नहीं, नीचे आना. अच्छा, नीचे.